यूपी के बहेड़ी में एक विवाहिता महिला को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है, जहां पर पीड़िता के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए आए दिन प्रताड़ित करते थे। बता दें आपको कि पीड़िता की शादी 1.5 साल पहले हुई थी और उसका एक बच्चा भी है। दहेज की मांग पूरी न हो पाने के कारण गुरुवार को ससुराल वालों ने विवाहिता की जमकर पिटाई करने की और यह आरोप जो है विवाहिता ने लगाया है ससुराल वालों पर, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई है विवाहिता, और उपचार के लिए अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर पीड़िता को इतना आपको बता दें कि इतना पीटा है, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है, डॉक्टरों का ये कहना है, और वो अस्पताल में भर्ती है जहां उसका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पीड़िता के भाई ने अपने ही माता पिता और भाई के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। ये बंटवारे के चक्कर में हुआ था लड़ाई, मैं उसे मांग रहा था कि मुझे बांट के दो अलग, पहली बात तो बांट के नहीं दे रहे थे। क्या बात? वो पिताजी थे, अम्मी ने और एक भैया है छोटा मुझसे थोड़ा, उसने और बहन ने। पीटा है और यहाँ पर कुप्रथा किस तरीके से आज भी समाज में अपने पैर पसारे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। आज भी दहेज के लिए जो महिलाएं हैं वो पिट रही हैं और उनके साथ अत्याचार हो रहा है। आपको बता दें ये मामला है बहेड़ी का, उत्तर प्रदेश के बहेड़ी का ये पूरा मामला है, जहां पर एक महिला को बुरी तरह पीटा गया और वजह है दहेज।